हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सौम्या, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये संडे, तो मतलब सुबह का सब काम ख़त्म करके अभी मैं जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। आज मैं लंच में बनाऊँगी उड़ीसा स्टाइल फिश करी। मतलब हमारे उड़ीसा में ना जो अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट में भी फिश बनाते हैं, और जो मस्टर्ड पेस्ट में भी फिश बनाते हैं, तो मैं आज मस्टर्ड पेस्ट में फिश करी बनाने जा रही हूँ। चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी उड़ीसा में कैसे मस्टर्ड पेस्ट में फिश करी बनाते हैं। चलिए, आज संडे है तो संडे में बिना नॉन वेज में अच्छा नहीं लगता खाने के लिए, तो आज हमारे घर में फिश बनेगा, तो मैं जाऊँगी अभी फिश बनाऊँगी। चलिए मैं कैसे मस्टर्ड फिश करी कैसे बनाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलिए देखिए, मस्टर्ड पेस्ट बनाने के लिए मैंने 2 चम्मच राई लिया है, और उसके साथ 1 चम्मच जीरा लिया है, और 2 सूखी मिर्च लिया है, और उसके साथ 7-8 लहसुन का कलियां लिया है, और 1 प्याज को कट करके लिया है, और उसमें आपके हिसाब से आप थोड़ा सा पानी मिला के उसका पेस्ट बनाना है। देखिए, पहले मैंने फिश को अच्छे से क्लीन कर दिया है, और उसके बाद उसमें मैरिनेट करने के लिए 2 चम्मच मैंने नमक डाला है, 2 चम्मच हल्दी डाला है, 1 चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, और उसके बाद उसको अच्छे तरह से मिलाना है, मैरिनेट करना है, और 5-10 मिनट के बाद इसको फ्राई करना है। देखिए, फ्राई करने के लिए अभी मैं तेल डाल रही हूँ, और दूसरी तरफ मैंने राइस पिठाई हूँ। देखिए, अभी तेल गरम हो गया है, अभी मैं फिश फ्राई करूँगी, एक एक करके मैं डालूँगी फिश। देखिए, फिश फ्राई होने के बाद अभी मैं आलू फ्राई कर रही हूँ। आलू को थोड़ा सा फ्राई कर होने देखिए आलू फ्राई होने के बाद अभी मैं करी बनाऊंगी। करी बनाने के लिए पहले मैंने पंचफूरन डाल दिया, उसके बाद 1 हरी मिर्च डाल दिया, और उसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया। प्याज थोड़ा सा फ्राई होने के बाद अभी मैं डालूँगी मस्टर्ड पेस्ट। देखिए, अभी मैं मस्टर्ड पेस्ट डाल रही हूँ। देखिए, मस्टर्ड पेस्ट डालने के बाद मैं 1 टमाटर को कट करके डाला है, और उसके बाद हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और स्वाद के अनुसार नमक, ये सब डाल दिया, और उसके साथ गरम मसाला, धनिया जीरा पाउडर, ये सब डाल के उसको ना फ्राई करना है, जब तक टमाटर सॉफ्ट ना होने तक इसको फ्राई करना है। देखिए, फ्राई करके जो मैंने आलू रखा था उसको अभी मैं मसाले के साथ फ्राई कर रही हूँ। देखिए, देखिए
इधर देखिए मैंने पानी गरम कर रही हूँ करी में डालने के लिए, और इधर देखिए मैंने मसाले फ्राई कर रही हूँ। देखिए टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और आलू भी अच्छे से फ्राई हो गया है मसाले के साथ। देखिए अभी मैं डालूंगी इसको ड्राई मैंगो, इसको हम ओडिया में बोलते हैं आम्बुलो। क्या है ना, जो कच्चा आम को सुखा के, मतलब इसमें नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल के इसको धूप में सुखाते हैं, मतलब इसको अच्छे से सूखने के बाद ला के स्टोर करके रखते हैं। मतलब इसको अच्छे से सुखा के स्टोर करके रखोगे तो मतलब ये एक साल तक भी रह पाएगा। इसको ना ड्राई मैंगो बोलते हैं, मतलब ओडिया में इसको मैंगो बोलते हैं। मतलब ये डालने से ना करी थोड़ा सा ये लगेगा, मतलब खट्टापन लगेगा, खट्टा लगेगा, अच्छा भी लगेगा। देखिए देखिए अभी मैं डालूंगी फिश मसाला। और अभी देखिए जो गरम कर रही थी ना जो पानी, अभी मैं डालूंगी गरम पानी। देखिए गरम पानी डालने से ना मतलब जल्दी पक जाता है और अच्छा भी स्वाद भी आता है। देखिए अभी मैं, जो भी आप करी बनाओ गरम पानी डाल के आप करी बनाओगे तो अच्छा स्वाद आती है। अभी देखिए मैं इसको ढक दूंगी, थोड़ा सा इसमें उबाल आने के बाद इसमें मैं फिश डालूंगी। देखिए लास्ट में अभी मैं थोड़ा सा धनिया पत्ता कट कर रही हूँ, इसको ना मैं करी में डालूंगी तो करी का स्वाद और अच्छा बढ़ जाएगा और अच्छा स्वाद अच्छे से अच्छा लगेगा।
देखिए कर्ड सलाद बनाने के लिए मैंने कुकुम्बर, टमाटर और प्याज और ग्रीन चिली सब काट कर रही हूँ, और उसके बाद उसमें कर्ड ऐड करूँगी।